उसमें एमपीटी हुआ था ना मेरे हिसाब से। हाँ, तो स्कोर कोई ऐड किया हो आपने, नंबर ऐड किए हो, नंबर तो ऐड करते रहा करो अपने आप, है ना, कम से कम अपने लिए तो ऐड करते रहा करो आप। मैं समझा दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा, 100 इनसे ज्यादा किसी के हो, अंश से ज्यादा किसी के हो, तो पूरे में से पूरे आए ना, मतलब थोड़ी बोल रहे हैं वो, मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं भाई सो आए सर, कि नहीं बोल रहे पूरे आए ना, चीज उनकी डिसेंसी है, मतलब वो बोल रहे हैं सर सो आए। इनसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते किसी के ना, इनके बराबर हो चलो किसी के। सुखमन के कितने आए टोटल बता दो, चलो सबसे बुरा किसका गया, टू एटी वन। अंश आपके कितने टोटल, 286। 286 से ज्यादा किसी के हूं, हाँ 287। इनसे ज्यादा किसी के हूं, अरे वही आई इससे मतलब, अच्छा हो ही नहीं सकते। अच्छा मैंने क्या, अपनी तैयारी से संतुष्ट चल रहे हैं आप, कितने बच्चे अपनी तैयारी से संतुष्ट चल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है, मतलब उससे ना, हम जो एफर्ट कर रहे हैं खुद के लिए उससे सेटिस्फाइड है हम, ऐसे कितने बच्चे हैं भाई। एक तो अनसेटिस्फेक्शन वो होता है कि मैं कभी अपने आप सेटिस्फाई होता ही नहीं हूं, एक तो वो होता है ना कि भाई कितनी सेंचुरी मार लो मैं सेटिस्फाइड हुई नहीं, मुझे तो और मारना है, एक तो वो होता है ना, एक ये कि भाई हाँ भाई चल तो सही रहा है, ऐसी बात नहीं है ना, सब कुछ सही चल रहा है, मेरी क्षमताओं के अनुसार काम कर रहा हूं मैं, मतलब सेटिस्फाइड में, मतलब एक तो यश है, एक मेघ है, एक ईशान, तीन तीन के अलावा तीन बच्चों लग रहा है हम सेटिस्फाइड है, एक ही होता है हम किसी के सामने दिखाएंगे नहीं कि हम सेटिस्फाइड है। देखो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए ना, उसको छुपाया मत करो कभी आप कॉन्फिडेंस को ना, कॉन्फिडेंस छुपाने से क्या है फिर अपने अंदर क्या है थोड़ा पीछे हटने लग जाते हैं अपन अपनी चीजों से ना, कई बार ठीक है नो डाउट, कई बार नुकसान भी हो सकता है ना, कॉन्फिडेंस अपन दिखाएं अपने से कोई काम गलत हो जाए उससे डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन ना कॉन्फिडेंस को दबाओगे ना आप फिर दबते चले जाओगे पीछे, आप ये मत सोचा करो क्योंकि आप बच्चे हैं अभी ना, मतलब आप शुरू कर रहे हैं ना, तो ये कभी मत सोचा करो कि मेरे कुछ करने से गलत हो जाएगा, ये तो कभी आपके अंदर भावना आनी नहीं चाहिए ना, ये अगर फीलिंग आ गई, अगर आपके अंदर आ गई तो कुछ करने से हर बार डरोगे, फिर आप बोलने से भी डरोगे, जैसे बोल तो रहे कम से कम कॉन्फिडेंटली भाई हम तो सेटिस्फाइड है ना अपनी परफॉर्मेंस जो भी हम कर रहे हैं, मतलब उससे हम सेटिस्फाइड है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब हम जैसे मैं भी अपने आप से सेटिस्फाइड रहता हूँ हमेशा, मैं जितना करता हूँ उससे ज्यादा नहीं कर सकता, हो सकता है कोई और कर सकता हो, मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ हमेशा, कोई हो नहीं हो मेरे से सेटिस्फाइड, मैं इसकी चिंता भी नहीं करता क्योंकि मैं खुद जानता हूं मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये एक्सट्रीम है मेरे लिए, मतलब है ना, मतलब समझाने में बोलने में लिखने में समझाने का एफर्ट करने में मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने आप से सेटिस्फाइड रहता हूं, और वो जो मैं कर रहा हूं उसको मैं मेंटेन रखने की कोशिश भी करता हूं, ऐसा नहीं कि मैंने आज कर दिया या एक साल कर दिया दो साल कर दिया, मैं उसको मेंटेन रखने की कोशिश भी करता हूं कि मुझे हर रोज इतना ही एफर्ट लगाना है, मतलब है ना कि हर साल मुझे इतना ही एफर्ट लगाना है, और उसको टेंशन ये रहती है उसको मेंटेन रख सकूं, मैं टेंशन उस बात की रहती है मेरे को ना, मैं जो बोल रहा हूँ जो कर रहा हूँ उसको मेंटेन रख सकूं, उतनी मेहनत मैं बराबर कर सकूं हर साल, क्योंकि जिस दिन मैं कम करने लग जाऊंगा ना उस दिन मुझे दिक्कत आने लगे, और मुझे दिख जाएगा अपने आप में कम कर रहा हूं, और कम करते हुए अंदर हीन भावना आती है ना, बच्चा जाए ऑब्जर्व कर पाए नहीं कर पाया उसको ना, कहने के अपने को लगता है अपन थोड़े कम एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट का मतलब यही कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, यहाँ खड़ा होकर एफर्ट तो टीचर के लिए वही होता है, और क्या ना समझा दो उसको सुन लो बात और क्या, ये हो सकता है टीचर के लिए एफर्ट, इसलिए अपने आप से सेटिस्फाइड रहना भी बहुत जरूरी है ना, और होमवर्क सब करके लाए ना, सब करके लाए ना, हाँ शोमिन करके लाए होमवर्क, 8 बाकी रह गए क्यों, अच्छा वो एक एक बार में किया था डीबीबी ना, 2 बार में किया था तो एक बार आधे किए होंगे, मतलब टाइम थोड़ा मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, मतलब आपको मिल रहा है टाइम तो ना, हाँ तो फिर तो करना चाहिए, एक बार में कर लेना चाहिए फिर तो आपको,
क्योंकि रेगुलर क्लासेस भी शायद अब चल नहीं रही आपके ना, कुछ बार डिस्कशन चल रहा होगा तो वो अलग बात है ना, बाकी ऐसा भी नहीं कि रेगुलर क्लासेस कुछ चल रही है ना, तो टाइम तो एक बार में बैठ के कर सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं है ना। तो पेपर में वैसा ऐसा कोई सवाल भी नहीं था कि जो डाउटफुल था ना, है ना, लगभग हो गए होंगे सारे ना। तो 90 से 100 के बीच में आए हो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 90 से 100 के बीच में आए हो नंबर? हाँ मैथ्स में, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, इतने तो कम थोड़ी आएंगे आपके ना, 90 से 100 टोटल में आ जाएंगे ना, ये तो भाई मैं भी उम्मीद नहीं करता आपसे। तो ठीक है, वो स्कोर तो देखो क्या है, मैंने हमेशा बोला है ना, अपने एफर्ट लगाता लगो आप, दिन अच्छे बुरे आते रहते हैं ना, ऐसा नहीं है ना, और जिस दिन दिन अच्छा आएगा उस दिन अपने नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना, वो दिन पर भी डिपेंड करता है नो डाउट। आपको लगता होगा सर ऐसा क्या बोलते हैं ना, दिन पर थोड़ी डिपेंड करता है ना, लेकिन होता है वाकई में नो डाउट, ऐसी बात नहीं है ना, किसी दिन दिन अच्छा चलता है ना, माइंड एकदम बिल्कुल बहुत तेजी से चलता है अपना, है ना, और कई बार वो क्या सवाल सामने आ रहा है उसको 10 बार पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कई बार हो जाता है हमारे साथ भी हो जाता है ना, टेंशन में मान लो दिमाग में कुछ और बात चल रही है ना, सुबह डीवी भी डिस्कस करानी है, सवाल सामने चल रहा है, सवाल कर भी रखा है पहले ना, लेकिन वो उसको 10 बार पढ़ रहे हैं ना, 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा सवाल, लिखा है क्या है इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, बार बार पढ़ते रहो उसको, बार बार पढ़ते रहो, फिर वो उसको छोड़ना ही पड़ता है उस वक्त, अब इसको छोड़ दो घंटे भर, सुबह उठ के दोबारा देखो, तो हालांकि वो सुबह जब उठते हैं दोबारा रात भर सवाल भी चलता रहता है दिमाग में, वही सवाल आता रहता है, उसके सपने आते रहते हैं ना, और कई बार तो सोल्यूशन भी आ जाता है उसका ना, क्योंकि दिमाग में चलता रहता है वो, खलबली तो चलती है ना दिमाग में उस वक्त, क्योंकि सुबह डिस्कस करना है, खलबली चलती है बहुत तेज उसमें ना, कई बार दिक्कत आती है उसमें ना, फिर लेकिन वो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं थॉट आ जाता है तो कुछ ना, या फिर दोबारा सुबह उठ के सोचो आप तो क्लियर हो जाता है ना, तो माइंड सेट भी होता है, ऐसी बात नहीं है ना। तो कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर ना, और अपने एफर्ट से संतुष्ट रहें, लगातार कोशिश करते रहें, यही चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करते हैं फिर अपन, और क्या है ना।